नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। अंबेडकर नगर गौशाला में रात में अचानक गौशाला का टीन शेड गिर गया, जिससे दर्जनों गौवंश घायल हो गए। वहीं टीन शेड के नीचे दबने से एक गौवंश की मौत हो गई। और रात में हुए इस हादसे के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। आलापुर तहसील क्षेत्र के करौंदी मिश्र गाँव में स्थित पशु आश्रय स्थल का पूरा मामला बताया जा रहा है। हाथरस में सवारियों से भरी गाड़ी अनियंत्रित होकर नहर में जा पलटी। गाड़ी में सवार लगभग एक दर्जन लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि गाड़ी में सवार लोग अस्थियां विसर्जन करने सोरो गंगा घाट जा रहे थे। सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से चार की हालत गंभीर बनी हुई है। फिरोजाबाद में रुपयों के लेन देन को लेकर एक व्यक्ति को उसके ही साथियों ने जिंदा आग के हवाले कर दिया। गंभीर हालत में पुलिस ने युवक को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया, जहां हालत नाजुक होने के कारण उसे आगरा रेफर कर दिया गया। अम्बेडकर नगर में छात्र छात्राओं का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अलग अलग छात्र छात्राओं के कई वीडियोज चलती क्लास में बनाए गए हैं, जिसके बाद विद्यालय की बड़ी लापरवाही सामने आई। बच्चे स्कूल में लेकर मोबाइल घूम रहे हैं, लेकिन स्कूल प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं है। जलालपुर के रेजिएंट इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला। फिरोजाबाद में जमीनी विवाद में खेत की रखवाली कर रहे किसान को गांव के ही एक युवक ने गोली मार दी। गंभीर हालत में किसान को ट्रामा सेंटर लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे आगरा रेफर कर दिया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नोएडा के सेक्टर 93 स्थित गेझा गांव के ग्रोसरी की दुकान में भीषण आग लग गई। आसपास के रहने वाले ग्रामीणों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। दुकान में दो गैस सिलेंडर भी रखे हुए थे। गनीमत रही कि वो नहीं फट पाए, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। कौशाम्बी जिले के भवंस मेहता पीजी कॉलेज भरवारी के एनसीसी कैडेट्स द्वारा मिशन शक्ति के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। एनसीसी कैडेट्स द्वारा महिलाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई है। अंबेडकर नगर में 15 मार्च को घाघरा नदी में नहाते समय इंजीनियरिंग कॉलेज के दो छात्र नदी में डूब गए थे, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने छानबीन शुरू की और काफी मुश्किलों के बाद छात्र का शव बरामद हुआ है। दूसरे की तलाश अब भी जारी है। गोरखपुर जोन एडीजी अखिल कुमार ने महाराजगंज के सोनौली बॉर्डर और खनुआ बॉर्डर का औचक निरीक्षण किया। एडीजी पद का गोरखपुर जोन में कार्यभार संभालने के बाद अखिल कुमार का महाराजगंज जनपद के बॉर्डर क्षेत्र का पहली बार औचक निरीक्षण किया गया। बाराबंकी में खेत की सिंचाई के दौरान हुए विवाद में बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलती ही मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। जैतपुर थाना क्षेत्र के मानपुर हिडुआ का ये पूरा मामला। कौशाम्बी में किराना व्यापारी के घर में 20 लाख की नकदी समेत लाखों रुपए के गहनों की चोरी हुई। छत के रास्ते कमरे में घुसे चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस कार्रवाई में जुटी। कौशाम्बी में बालू घाटों से ओवरलोडिंग के बढ़ते मामलों के मद्देनजर डीएम अमित कुमार सिंह ने बालू ओवरलोडिंग को रोकने के लिए रिटायर्ड सेना के जवानों को लगा दिया। इसके बाद भी बालू माफिया इनकी नजरों से बचकर ओवरलोडिंग वाहनों को निकालने में गुरेज नहीं कर रहे। गौतमबुद्ध नगर में इस साल स्कूल अपनी फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। 2019-20 के लिए निर्धारित शुल्क ही लेना होगा। कोरोना काल में गौतमबुद्ध नगर के लाखों अभिभावकों को ये बड़ी राहत मिली है। जिला फीस निर्धारण समिति की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। ग्रेटर नोएडा में बीटा 2 कोतवाली क्षेत्र में एक महिला की चेन पुलिंग कर बदमाश फरार हो गया। दिन दहाड़े हुई इस घटना ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सेक्टर 36 में ये पूरी वारदात हुई। सहारनपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में दर्जनों पक्षियों की मौत हुई है और पिछले 3 दिनों में 30 से ज्यादा कौओं की मौत से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद ग्रामीण बीमारी की आशंका जता रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। तहसील बिहट के पिठौरी का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। नोएडा के सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय का आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के अधिकारों को खत्म करने का मकसद से एनसीटी एक्ट में संशोधन कर पूरी दिल्ली शक्ति एलजी को देने को लेकर नोएडा में आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है। नोएडा में चोर पुलिस का लाखों का कैमरा रडार चुरा ले गए। ऑनलाइन चालान काटने के लिए ये कैमरा लगाया गया था। पुलिस ने फ्रांस की कंपनी से टाई अप कर ये कैमरा लगवाया था। ट्रैफिक पुलिस का रडार कैमरा चोरी हो गया, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि चोरों के हौसले कितने ज्यादा बुलंद हैं। नोएडा हाईवे पर ये कैमरा लगा हुआ था। सेक्टर 39 थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। पीलीभीत में पंचायत चुनाव के प्रचार प्रसार में पुलिसकर्मियों का व्यवधान किया गया है। चौकी इंचार्ज पर प्रत्याशी का चुनाव प्रचार प्रसार करने का आरोप लगा है। शिवसैनिकों ने ये विरोध प्रदर्शन किया। थाना बरखेड़ा इलाके की करोड़ चौकी का एक पूरा मामला।
सिंगरौली जिले में कोरोना ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। बीते 24 घंटे के दरमियान 6 नए मामले सामने आए हैं। जिले में 6 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। अब तक जिले में कुल 2000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं जिले में अब तक 1900 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात देकर जंग जीती है। सिंगरौली में वसीम रिजवी के खिलाफ मुस्लिम समुदाय भड़क गया है। याचिकाकर्ता वसीम रिजवी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग, पवित्र ग्रंथ कुरान के खिलाफ याचिकाकर्ता के PIL में भारी आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। मुस्लिम समुदाय ने कलेक्ट्रेट को एक ज्ञापन भी दिया है। और यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।